पिछले सत्र से शुरू किए गए अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूलों की स्थिति भी अन्य सरकारी स्कूलों जैसी ही होती जा रही है और इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है लोरमी के शासकीय मिडिल स्कूल में। छठवीं सातवीं क्लास में कुल 56 बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन इनको पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक है। ऐसे में बच्चों के शिक्षा का स्तर क्या होगा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और पिछले साल शुरू हुए स्कूल में कक्षा छठवीं सातवीं के लिए 3 शिक्षक पदस्थ थे, बावजूद इसके एक शिक्षक अभी तक ज्वाइन नहीं किया और नहीं कर रहे हैं। और इस बारे में शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस सत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2 शिक्षकों की नियुक्ति की गई जिनमें एक शिक्षक 1-2 दिन में ज्वाइन कर लेंगे। ढाई महीने से स्कूल आ रहे हैं हम लोग और स्कूल में एक ही मैम आई है, हिंदी वाली मैम, और जब बारिश होती है ना तो पूरा ब्लैक बोर्ड के सामने पूरा चूहने लगता है। लोरमी बालक शाला स्कूल की बात है जहां मैं आज निरीक्षण पर पहुंचा था शाला समिति अध्यक्ष होने के नाते। वहां पता चला कि इंग्लिश मीडियम माध्यम में 56 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ना तो ढाई महीना हो गए उनके टीचर हैं, सिर्फ एक टीचर है जो आके पढ़ा रही है। यहां इंग्लिश मीडियम में 56 बच्चे हैं, छठवीं सातवीं क्लास 2 क्लास लगती है। यहाँ टीचर की व्यवस्था अभी एक ही व्यवस्था किए गए हैं और यही 2-2.5 महीने के बाद एक टीचर आए हैं और यहाँ स्कूल की व्यवस्था बहुत ही जर्जर है। लोरमी के इंग्लिश मीडियम स्कूल में 3 शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी जिनमें से एक मातृत्व अवकाश में चली गई है और 2 का क्या है स्थानांतरण हो गया है। वर्तमान में भी क्या है 2 शिक्षकों की व्यवस्था फिर की गई। ले लिया फोटो। तो ऐसे पढ़ेंगे बच्चे और ऐसे ही बढ़ेंगे बिना शिक्षकों के। इंग्लिश मीडियम स्कूल तो कर दिया गया है लेकिन शिक्षक टीचर्स की ही अवेलेबिलिटी ही नहीं है जिसके चलते अब यहाँ पे बच्चों का भविष्य खतरे अंधकार में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदी के टीचर हैं लेकिन इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, अन्य किसी विषय के यहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। नियुक्ति शासन ने कर दी है लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। एक साथ दोनों टीचर स्कूल से छुट्टी पर है, एक मैटरनिटी लीव पर है और एक ने ज्वाइन नहीं किया है। तो बिना शिक्षकों के ये स्कूल चल रहा है। बच्चे 2.5 महीने से शिक्षा सत्र को ज्वाइन किए हुए उनको हो चुका है। संदीप सिंह ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। संदीप, क्या ऐसे ही पढ़ेंगे बच्चे और ऐसे ही बढ़ेंगे? लोरमी में बालक शाला एक स्कूल है जहाँ पर 7वीं और 8वीं को इंग्लिश मीडियम कर दिया गया लेकिन वहाँ पर अभी 3 माह बीतने को है, शिक्षक नहीं है और 2 शिक्षकों की तैनाती की गई थी लेकिन एक शिक्षिका के भरोसे 56 छात्रों को वहाँ पर पढ़ाई करवाई जा रही है। और वहीं लगातार अभी 2-3 दिनों से क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है और वहाँ पर 3 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कराई गई थी और पूरा ब्लैक बोर्ड सहित पूरे वहाँ पर रिसने की भी एक समस्या है, मतलब जान जोखिम में डालकर वहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार शिकायत की जाती है लेकिन किसी तरीके से कुछ कार्रवाई नहीं की जाती। जिला शिक्षा अधिकारी का क्या कुछ कहना है इन तमाम अनियमितताओं के चलते? इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा पिछले वर्ष भी वहाँ पर 3 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी तो एक मातृत्व अवकाश में और 2 शिक्षक जो ट्रांसफर, उसके बाद भी मैटरनिटी लीव पे है और 2 ट्रांसफर वाले हैं तो उसके बाद भी कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की गई है? कौन है जिला शिक्षा अधिकारी संदीप? यहाँ पर जी बी भारद्वाज जिले में है, लोरमी में डीएस राजपूत हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उनका कहना है कि अभी 2 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है वहाँ पर लेकिन एक शिक्षक अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। 3 महीने बीतने को है और कारण बताओ, नोटिस भी जारी नहीं कर पाते इन लोग कि शो कॉज नोटिस ही जारी कर दिया जाए कि 3 महीने पहले आपकी नियुक्ति कर दी है और उसके बाद भी अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। क्या कर रहा है विभाग, किस चीज की तनख्वाह दी जा रही है फिर इन लोगों को? कहीं कहीं शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल तो दिया गया लेकिन वहाँ पर शिक्षा के नाम पर केवल एक ढोंग है और कहीं न कहीं से देखा जाए तो शिक्षा के नाम पर वहाँ पर केवल व्यवसायीकरण कर दिया गया है और शाला विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी वहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए थे, उनका भी कहना है कि 3 लाख रुपए राशि आहरण तो कर ली गई है लेकिन जीर्णोद्धार के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
रहा है, जिस देश में जीडीपी का 6% से कम अगर एजुकेशन में खर्च किया जाता है तो आप सोच लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि उस देश का भविष्य क्या होगा। सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी इसी देश में है और इसी देश की जो युवा पीढ़ी है उसी का ही भविष्य सबसे ज्यादा अंधकार में है, क्योंकि टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, जिला प्रशासन कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, सरकारें सोती हैं तो सोती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।